सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप लोगों की कॉपियों की चेकिंग के संबंध में यहाँ पर ये न्यूज़ है, यानी कि जितने भी हमारे भाई बहनों ने डीएलएड का एग्जाम दिया, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सभी सेमेस्टर की कॉपियों के मूल्यांकन के विषय में यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए पीएनपी की तरफ से ये सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के, यानी कि सभी डायरेक्टर को लेटर लिखा गया है। आपको पता है कि पहले कॉपियों की चेकिंग होती थी इलाहाबाद में, लेकिन अब कॉपियों की चेकिंग सभी जिलों में होती है, सभी डायरेक्ट में होती है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने गोरखपुर डायरेक्ट से बीटीसी किया या डीएलएड आप कर रहे हैं, तो आपकी कॉपी कहीं भी जा सकती है, किसी भी अदर जिले में जा सकती है। वो महाराजगंज जिला भी हो सकता है, वो सिद्धार्थनगर भी हो सकता है, बस्ती भी हो सकता है, लखनऊ भी हो सकता है, कहीं भी वो भेजा जा सकता है। यानी कि जो कॉपियां हैं वो अलग अलग, एक जिले की कॉपी दूसरे जिले में जाकर के चेक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया, अलग अलग जिलों के डायरेक्टों पर कॉपियां चेक होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने जब एग्जाम दिया होगा तो एग्जाम के टाइम पर आप लोगों की अटेंडेंस सीट भरी जाती है, आप लोगों के उसमें हस्ताक्षर होते हैं अटेंडेंस सीट में कि आप लोग एग्जाम में उपस्थित हो। तो इससे कॉपी चेक करना थोड़ा इजी हो जाता है कि हाँ इसी बच्चे की कॉपी है, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरीके से जो अटेंडेंस सीट है उसी के विषय में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि डीएलएड बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षाएं वर्ष 2022 के उपस्थिति पत्रक यानी कि अटेंडेंस सीट को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहाँ पर यह जानकारी मांगी गई है सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से, सभी डायटों से। और आप देखिए यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं कि यहाँ पर जो आपकी परीक्षा है वो 25 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक हुई थी, और डीएलएड सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु जनपद मंडल स्तर पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों के उपस्थिति पत्रक पुस्तिकाओं के साथ मूल्यांकन हेतु प्रेषित करने तथा निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन उपस्थिति अनुपस्थित कोड किए जाने वाले संबंधी निर्देश पूर्व में आपको दिए गए थे। विगत वर्षों में पाया गया कि कतिपय जनपदों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल के साथ उपस्थिति पत्रक मूल्यांकन केंद्रों को प्राप्त नहीं कराए गए, यानी कि कॉपियों को तो भेजा गया मूल्यांकन केंद्रों पर, लेकिन जो आप लोग की अटेंडेंस सीट थी, अटेंडेंस सीट को नहीं भेजा गया, जिससे कॉपी चेक करने में बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा जो कॉपियां चेक कर रहे थे परीक्षक। अब देखिए, उक्त के दृष्टिगत आप लोगों को निर्देश दिया जाता है कि जनपदों में डीएलएड परीक्षा वर्ष 2022 हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों के सेमेस्टर वार उपस्थिति पत्रक की एक प्रति हस्ताक्षरित करते हुए विशेष वाहक के माध्यम से 3 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से यहां पर सभी कार्यालयों को उपलब्ध कराएं। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि 3 से 4 दिन के बाद आप लोगों की जो कॉपी है वो चेक होनी शुरू हो जाएगी, और जब आप लोगों की कॉपी चेक हो जाएगी, अभी आपको पता है मई चल रहा है, तो अभी कॉपी चेक होना शुरू भी नहीं हुआ है, तो जो पूरा प्रोसेस है वो जून तक चलेगा आप लोगों की कॉपियों के चेकिंग होने का, फिर उसके बाद आप लोगों के नंबर चढ़ाए जाएंगे। तो कहीं जुलाई में जा करके आप लोग का रिजल्ट देखने को मिलेगा, जुलाई का पहला या दूसरा सप्ताह आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। तो इस तरीके से अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन है जो पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आता है, तो कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाता है रिजल्ट आने में, क्योंकि 4 के 4 सेमेस्टर हुए हैं और सभी के कॉपियां चेक करना, फिर सभी के नंबर अपलोड करना, फिर उसके बाद वेबसाइट पर शो करता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी आप लोग हमारे चैनल से करिए। आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर हमने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया, आपको कहीं अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सारे इसके सारे क्लासेस के नोट्स बना सकते हैं, हर एक विषय का नोट्स आप बना लीजिए और नोट से पढ़िए, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर सारे के सारे सेमेस्टर के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाना आप लोग के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे डाउट है। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉपियां कैसे चेक होती हैं, अगर आपको जानना है तो इसके लिए भी कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे क्या स्टेप वाइज नंबर भी मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रशिक्षु ये भी पूछ रहे थे। अगर कमेंट आता है इस तरीके का तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए। जय हिंद।